क्लास 9 मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम चैप्टर 1 एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 1 और 2 हमने 1.1 एक्सरसाइज के साथ किया था। अब एग्जांपल नंबर 3 है जिसमें हम इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन में लोकेट करते हैं वो सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 3 है, लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। तो आप रूट 2 को नंबर लाइन में कैसे लोकेट करोगे, यानी आपको बताना है कि रूट 2 नंबर लाइन में कैसे आएगा। तो उससे पहले हमने जो पाइथागोरस थ्योरम सीखा था उससे हमें कुछ वैल्यू को निकालना है, उसके बाद हम रूट टू को नंबर लाइन में लोकेट करेंगे। तो अगर मान लो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके सामने बनाया, मैंने बनाया जिसका नाम है ए ओ, ये ए ओ और यहाँ पे ये बी। तो मैंने एक ट्राइंगल बनाया ए ओ बी। अब अगर इस ट्राइंगल के मैं इन दोनों साइडों को अगर वन यूनिट का ले लेता हूँ, वन यूनिट यानी कुछ भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो, मीटर हो, कुछ भी हो, 1 यूनिट का अगर मैंने ले लिया तो फिर ए ओ की वैल्यू क्या होगी। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम में क्या सीखा था कि जो 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस होती है, तो ए ओ का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर होगा, बी ओ का स्क्वायर, यानी इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ए ओ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर, और बी ओ का स्क्वायर भी क्या है, 1 का स्क्वायर। तो ए ओ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर का 1 और 1 स्क्वायर का भी 1। तो ए ओ स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। तो ए ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट 2। इसका मतलब है कि ये जो ए ओ है इसकी वैल्यू क्या हो गई, रूट 2 हो गई। और अब इसी 1 यूनिट वाले तरीके को यूज़ करके हम इधर नंबर लाइन में किसको रिप्रेजेंट करेंगे, रूट 2 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये कंपास लिया आपके सामने, इसको आप कितना भी क्या कर लो, ओपन कर लो, और ओपन करके आप इस कंपास को कहाँ पे रखो, ओ पॉइंट पे रखो, और ओ पॉइंट पे रख के आप इस पे क्या लगा दो, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट लगा दो। ये हमने कुछ पॉइंट लगा दिए, कुछ माइनस की तरफ भी लगा देते हैं, ये सब इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे। इक्वल इक्वल डिस्टेंस का मतलब 1 1 यूनिट हमने ले लिया। तो 1 1 यूनिट हमने लिया तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, वैसे यहाँ -1, यहाँ -2 और ये क्या हो जाएगा, -3। तो हमने ये O लिया पॉइंट, और ये देखो इस पॉइंट को क्या मान लो, B मान लो, और ये कितने यूनिट का है, 1 यूनिट का है। तो वैसे ही अब हमें ऊपर परपेंडिकुलर बनाना है B पॉइंट पे, ये भी कितने का बनाना है, 1 यूनिट का बनाना है। तो परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे हम, आपको पता ही है 90 डिग्री का बनाने के लिए पहले आप एक सर्कल बनाएंगे, सेमी सर्कल टाइप, फिर आप इस जगह रखेंगे, फिर आप इसको कैंसिल करेंगे, फिर आप इस जगह रखेंगे, या तो आप प्रोटेक्टर की मदद लेके भी 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, फिर आप इस जगह करेंगे और इसको कैंसिल करेंगे, नहीं होगा तो यहाँ से इसको इंक्रीस करेंगे, और आप क्या करेंगे, स्केल की मदद से इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आपने इसको कंप्लीट कर दिया। अब ये भी हमें कितना लेना है, 1 यूनिट लेना है। तो 1 यूनिट हमारा क्या था, यहाँ से लेकर ये बी पॉइंट, यही था हमारा 1 यूनिट, ये हमारा 1 यूनिट था। तो हमने इस बी पॉइंट पे रख के इधर भी एक चाप काट दिया, वो कितना हो गया, 1 यूनिट का हो गया। ये हमारा जो आर्क है ये कितने का हो गया, 1 यूनिट का। और इस आर्क को हमने किससे मिला, ज्वाइन कर दिया, ओ से ज्वाइन कर दिया। और ओ से जैसे ही हम इस आर्क को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 यूनिट, और ये 1 यूनिट, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 2, क्योंकि ये 90 का बना दिया हमने, और ये पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाया, ये 1 यूनिट का, ये भी 1 यूनिट का। तो ए ओ की वैल्यू क्या आएगी, रूट 2, और इसका नाम हम दे देंगे ए, और इसको हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, डार्क कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो ये रूट 2 की वैल्यू होगी। तो क्या यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अभी रूट 2 नंबर लाइन में थोड़ी आया,
अब इस रूट टू को नंबर लाइन में हम क्या रखेंगे, पहले ओ पे कंपस रखेंगे और इसको ए तक खोलेंगे। ओ पे कंपस रखना है और इसको कहाँ तक ओपन करना है, ए तक। और उसके बाद आपको क्या बनाना है, एक आर्क बनाना है डॉटेड, और ये आर्क जहाँ पे भी नंबर लाइन पे क्या करेगा, कट करेगा, उस पॉइंट का नाम क्या दे देना, कुछ भी, इस जगह पे कट कर रहा है, इस पॉइंट का नाम पी हो जाएगा और यही नंबर लाइन पे क्या होगा, रूट टू होगा। तो इस तरह हमने नंबर लाइन पे किसको लोकेट कर दिया है, किसको लोकेट कर दिया, रूट टू को हमने नंबर लाइन पे लोकेट किया। कैसे किया, पहले हमने एक नंबर लाइन बनाया, 1-1 यूनिट्स हमने ले ली, क्योंकि हमने पाइथागोरस से पहले ही चेक कर दिया था कि 1 यूनिट और इधर से भी 1 यूनिट और इसका स्क्वायर, और ये करके हमने क्या निकाला था, रूट टू। फिर हमने 1 यूनिट लिया, यहाँ से परपेंडिकुलर बनाया और वो भी कितने का लिया, 1 यूनिट का, और उसको ज्वाइन कर दिया। तो ये वैल्यू किसके आ गई, रूट टू की। लेकिन नंबर लाइन पे रूट टू को लोकेट करने के लिए ओ पे कंपस रख के हमने कहाँ तक ओपन किया, ए तक, और यहाँ से क्या किया, एक आर्क काटा और ये आर्क नंबर लाइन पे जिस पॉइंट पे लोकेट करेगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा, पी पॉइंट क्या हो जाएगा, रूट टू हो जाएगा। देन पॉइंट पी इज रूट टू, और ये जो पॉइंट पी है वो रूट टू हो जाएगा। इस तरह से हमने रूट टू को क्या कर दिया, नंबर लाइन में लोकेट कर दिया। अब आगे के वीडियो में हम रूट थ्री को कैसे नंबर लाइन में लोकेट करते हैं इसके बारे में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।